अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश। आज का विषय है कि अगर किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही हो तो वो कैसे हो। बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टोटके हैं जिससे कि ये शादी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन किसी भी तरीके के टोटके को करने से पहले या किसी भी तरीके का मंत्र यंत्र का उपयोग करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि आप कुंडली दिखवा लें। देखो, शादी का अपना एक योग होता है, ठीक है, और जब आप जन्म लेते हैं तो लगभग सभी कार्य जो आपके जीवन में होता है उसका लगभग एक समय सीमा और उसका प्रकार तय रहता है, ठीक है। तो आपके विवाह का या किसी भी बच्ची के विवाह का एक समय का योग तय है और किस दिशा में होगा विवाह, कैसे कैसे हो सकता है विवाह, वो सब चीजें तय होती हैं। तो सर्वप्रथम तो आप ग्रहों की दृष्टि देखें अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो। अगर रुकावट आ रही है शादी में तो फिर मैं आपको ये साधना बताऊंगा। ये साधना माँ कात्यायनी का है, ठीक है। ये साधना आप को अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी दो ऐसा दिन आ रहा है जब से ये साधना शुरू की जा सकती है, एक तो होली और दूसरा नवरात्र। इन दोनों दिनों में से आप किसी भी दिन इस साधना को शुरू कर सकते हैं। देखो, ये वाली जो साधना है जो विवाह के लिए है, इसका असर तभी होगा जब आप, मतलब जो भी है वो खुद ये साधना करे। जनरली क्या होता है कि अगर किसी को कोई उपाय बताया जाए तो वो किसी साधु के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी साधक के पास वो जाकर के उस तंत्र को करवा लेता है। मतलब आप तो लोग इतने मतलब कोड़ी हो गए हैं कि अगर उनके जीवन पे भी खतरा होता है तो वो महामृत्युंजय खुद करने के बदले चार पंडितों को घर पे बुला लेते हैं और उसके बाद महामृत्युंजय का सिर संकल्प करके छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि भैया अगर महामृत्युंजय का जाप वैसा हुआ तो बहुत बहुत असर हो गया, लेकिन मैं बताता हूँ कोई भी तंत्र अगर खुद के लिए करना हो और आप सक्षम हैं तो आपको खुद करना चाहिए। उसका असर कई 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 गुना जो है ज़्यादा होता है। तो माँ भगवती देवी दुर्गा, इनका छठा स्वरूप है कात्यायनी माता। कात्यायनी माता का एक विशेष साधना है जिससे कि अगर किसी भी बच्ची की शादी नहीं हो रही है तो वो होगी। तो अभी मैं आपको ये मंत्र बता रहा हूँ ताकि आप होली से इसको शुरू कर लो, और अगर होली से 41 दिन नहीं कर पाओगे तो अभी चैत्र नवरात्र आ रहा है, चैत्र नवरात्र से आप इसको पक्का शुरू कर लेना, ठीक है। इसमें क्या क्या सामग्रियाँ लगेंगी आपको, इसमें जो सामग्री आपको लगेंगी वो है एक पीला वस्त्र, ठीक है, पीला फल, पीला प्रसाद होना चाहिए, मतलब चना दाल हो, गुड़ हो, ठीक है। एक माँ भगवती देवी दुर्गा की तस्वीर, उसको आप केले के पत्ते पे बिछाएंगे, ठीक है, और फिर पीला आसन रखेंगे और फिर उसके ऊपर माँ भगवती को आप माँ भगवती की जो आपने तस्वीर लाई है उसको उस पर स्थापित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सामग्री क्या है, पीला वस्त्र, दूसरा है पीला फल और पीला प्रसाद। ये रोज आपको लगेगा। दुर्गा, माँ भगवती देवी दुर्गा की तस्वीर को आपके एक केले के पत्ते को बिछाकर उसके ऊपर एक पीला कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर भगवती की उस तस्वीर को रखेंगे, ठीक है। जिस दिन से आप ये साधना शुरू करेंगे उस दिन से आपको हल्दी डालकर पानी में, ठीक है, और पीला फूल डालकर स्नान करना है। 41 दिन तक आप बिल्कुल ही पानी में हल्दी डाले बिना जो है स्नान मत कीजिएगा, और अगर पीला फूल रहे तो और अच्छा है। अच्छा, पीला ही फूल भगवती को भी चढ़ाएगा, लाल फूल मत चढ़ाइएगा। ये जो 41 दिन है माँ भगवती देवी दुर्गा को सिर्फ और सिर्फ आप पीला फूल चढ़ाइएगा। 41 दिन कीजिएगा और मात्र 108 जाप करना है। मतलब पर डे अगर आप 15 मिनट पूजा कीजिएगा तो 41 दिन के अंदर जो है आपको रिजल्ट आएगा। अगर शादी नहीं हो रही है, शादी रुक रही है, तो वो शादी आपकी हो जाएगी। ये साधना मैं अपने एक फॉलोअर के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया था और कॉल भी किया था कि उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो ये शादी आप
अच्छा, ये मैंने बार बार मैंने बोला कि बच्ची की शादी के लिए ये साधना विशेष करके है, ठीक है। अगर किसी मेल की शादी नहीं हो रही, किसी मर्द की शादी नहीं हो रही, किसी लड़के की शादी नहीं हो रही, तो फिर उसका साधना मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये साधना सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, मतलब बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। तो मैं अब आपको मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ओम कात्यायनी महामाया महायोगिन्य किश्वरी नंद गोप सूतम देही पति में कुरते नमः, ठीक है। ओम कात्यायनी महामाया महायोगिन्य किश्वरी नंद गोप सूतम देही पति में कुरते नमः, ठीक है। इस मंत्र का आपको 41 दिन तक 108 माला जाप करना है। इस साधना के अंत में किसी भी प्रकार का हवन नहीं होता है, ठीक है। माँ को सिर्फ आप पूजा करेंगे, उनको पीला फल पीला फूल चढ़ाएंगे और उसको फिर प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर लेंगे। 41 दिन के अंदर आपको इस साधना का असर दिखने लगेगा, ठीक है। मतलब आपकी शादी सेट हो जाएगी या फिर बात बात फाइनल हो जाएगा, जो भी हो। शादी ऐसा भी देखा गया कि शादी हो गई 41 दिन में, अगर दिन होगा शादी का तो हो सकता है शादी भी हो जाए। तो ये एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सिंपल मंत्र है। और इस देखिए, तंत्र का क्या अपना एक माया है कि अगर यही कोई साधना साधक के लिए होती तो उसमें 75 तरह की चीज़ें बताई गई हैं तंत्र में, मार्ग में, जैसे यंत्र बनाना, मंत्र बनाना, उसके बाद उसको कैसे चलाना है, उसके बाद उसका हवन करना, उसके जल में हवन करना, वायु में हवन करना, ब्राह्मण भोज कराना। लेकिन जो कुमारी कन्या है उनके लिए माँ भगवती देवी दुर्गा का ये जो विशेष प्रोविजन है, इसमें सिर्फ 108 जाप 41 दिन तक माँ भगवती देवी दुर्गा की तस्वीर रख के, और उसके बाद जो हल्दी से नहाने का एक विधान है वो, इतना करने से ही ये मंत्र सिद्ध होता है और इसका असर आप लोगों के जीवन में दिखने लगता है। आज के लिए इतना ही। ऐसे नवदुर्गा जो है, नवदुर्गा के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आज के डेट में क्या है कि दश महाविद्या पे ज़्यादा जोर है लोगों का, ठीक है। नवदुर्गा में दुर्गा को जानते हैं, काली को जानते हैं, लक्ष्मी को जानते हैं, सरस्वती को जानते हैं, मतलब शुरुआत में जो तीन देवियां आई, रिम श्रीम क्रिम, ये तीनों के बारे में जानकारी है। बाकी जो नवदुर्गा हैं, इनका इनकी क्या खासियत है, इनके पूजा से क्या प्राप्ति होती है, इस चीज़ से लोग बहुत ही मतलब बहुत बहुत कटे हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा अपने चैनल के थ्रू कि जो नवदुर्गा हैं इनकी इनके किस विधान से आपको कौन सी फल की प्राप्ति हो सकती है और कौन से मंत्र से इनकी पूजा करने से आपको लाभ होगा, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। दश महाविद्या का तो मैंने शुरुआत कर ही दिया है, माँ तारा का दश महाविद्या दिया, उसको करिए, वो बहुत बहुत पावरफुल मंत्र है। इसके अलावा काली माँ भगवती का भी मैं आपको दश विद्या मंत्र दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को भूत प्रेत में इंटरेस्ट है तो फिर से वही बात, अमेजोन और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील और जितने भी तरह के ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उस पर आप मेरी किताब हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खरीद सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं